पंजाबी न्यूज़ कॉर्नर देख रहे हो तुसीं ते मैं हाँ गुरप्रीत सिंह। अज बरगाड़ी का इशू एक बार फिर तो सियासत का केंद्र बनता जा रहा, भावें कि अजे तक इंसाफ नहीं मिले पर सियासत एक बार फिर तो चोणां नेड़े आउंदियां पूरी तरह पक चुकी है। सिख जथेबंदियों के वलों अज की ऐलान किया गया इस दे लई जानकारी लैण दे लई साडे नाल मौजूद ने भाई हरजिंदर सिंह माझी, उन्होंने गलबात करदे आ। माझी साहब, अज लगातार जिस तरह पंजाब दे विच एक बार फिर तो बेअदबी का मुद्दा वड्डा बनता जा रहा, तुहानूं लगता है कि इस मुद्दे उत्ते सियासती हो रही है जां इंसाफ भी मिलू? वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। असी जिहड़े लोग हाँ जी, जिहड़े सिख प्रचारक हाँ जां नॉर्मल असी भावनावां साडियां गुरु ग्रंथ साहिब नाल जुड़ियां ने, साडा तां मोटा जिहा इह मकसद है कि जिहड़े गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करन वाले ने उहनां ते बनदी कारवाई होवे, जिहड़े बेकसूरां ते गोलियां चलाउण वाले ने, इंसाफ मंगण वालियां नूं शहीद करन वाले ने, फटड़ करन वाले ने, उहनां ते कारवाई होवे। सो जे कोई इहदे ते सियासी रोटियां सेकण दा जतन करूगा उह बिल्कुल सफल नहीं होगा। सो मैं कहना चाहुंदा वी जिहड़ी इह फैसला आया हाई कोर्ट दा, इन्हें दुनिया भर में वसदे हुए समूह इंसाफ पसंद लोगों के हिरदिया बुलुंदर के रख दिता एक बारी, तो यह इन्हें सानू शर्मसार किया सारियां नू। तां इस तरह के फैसले जिहड़े ये ना समाज के हित में ने, ना लोगों के हित में ने, यह बहुत खतरनाक फैसला है। इत्थों जिहड़ा कैप्टन अमरिंदर ते बादलों की यारी है वह एक बारी फिर साबित होगी। जे आप गल करिए यारी तो तुसी कहता कि साबित होगी, पर श्रोमणी अकाली दल लगातार कैप्टन का अस्तीफा मांग रहा है। उन्होंने कहना है कि जो जांच इन्होंने बिठाई सी वो जान बुझ के साडे खिलाफ बनाई गई सी, सारा कुछ अज सामने आ गया हाईकोर्ट के फैसले का, वह तो उन्होंने अस्तीफा मांग रहा। वो अस्तीफा मंगण किवें करनो, उन्होंने पॉलिटिक्स करनी है जिवें करी जाण। मैं पुछना यह चाहुंदा, मैं रे कुछ सवाल बादलकियां नूं ते कुछ कांग्रेसियां नूं पुछ लैणे। बादलकियां नूं पहलां करदा, बादल जुंडली जिहड़ी अज वी है छातियां चौड़ियां करके लड्डू बांटदे हो, ड्रामे करदे हो, वो बेशर्म लोको, मैं तुहानूं इह पुछना चाहुंदा जिहड़ी 24 सितंबर 2015 नूं जिहड़ी सौदा साध नूं बिना मंगिया माफ़ी दित्ती सीगी, जिहड़ी वह माफ़ीनामा जिहड़ा 2007 विच, यह 2015 च नहीं 2007 दे विच जिहड़े स्वामी अग्निवेश उन्हां दी कमांड हेठ कुछ बंदे गए सीगे, तरलोचन सिंह जिहड़े साबका MP ने, उन्होंने बयान भी दिता प्रेस दे एक हिस्से विच, उन्होंने 2007 विच कुछ बंदे इकट्ठे हो के सौदा साध कोल चले गए एक एप्लीकेशन लैके, उदों साइन करवाउण विच कामयाब हो गए। वह एप्लीकेशन लै आए जोगिंदर सिंह बेदांती कोले, पर बेदांती जी ने वह एप्लीकेशन प्रवान नहीं की, पर बादल क्या ने मरी हुई जमीर वाला ज्ञानी गुरबचन सिंह उत्थे लाता, वह गुरबचन सिंह ने सारा दबा पा के बिना मंगिया 24 सितंबर 2015 नू माफ़ी दिती, 25 सितंबर 2015 नू सौदा साध की फिल्म MSG 2 रिलीज हुई, जिहड़ा सौदा करवाया सीगा अक्षय कुमार ने सुखबीर बादल ते सौदा साध के दरम्यान, अक्षय कुमार नू की इंट्रस्ट सी, उन्हें क्यों बचोलगिरी करी, उहदा कारण है कि सिंह इज बलिंग फिल्म दे भी खिलाफ सी सिख संगत, तां अक्षय कुमार ने कहा भी मेरी फिल्म तुसी रिलीज करवा दोगे तो मैं थोड़ी सैटिंग करवा दिना। अक्षय कुमार ने बचोलगिरी करके सौदा साध की फिल्म रिलीज करवा दिती, इहदा इनाम यह मिलिया इस सैटिंग का कि एक हफ्ते बाद 2 अक्तूबर 2015 नू अक्षय कुमार की सिंह इज बलिंग जिहड़ी फिल्म सीगी वह भी रिलीज़ हो गई, तो वह श्रोमणी कमेटी ने बकायदा श्रोमणी कमेटी ने जिहड़ा पत्र दिता सहमति का पत्र 26172 नंबर पत्र दिता श्रोमणी कमेटी ने। मैं बादल क्या पुछदा ये की हो रहा सीगा, तो फिर की गुरु ग्रंथ साहिब की चोरी होया जदों बुरजवाहर सिंह वाले तो बाद उत्थे जदों पोस्टर लाए सी उदों बादल जिहड़ा कहिंदा मैनूं कीड़ी दिखदी है तुरदी पंजाब च सुत्ता पिया सी, उत्थे CCTV कैमरियां दा जाल नहीं सी विछाया जा सकता कि उत्थे मतलब फिर शांतमई बैठिया ते जिहड़ियां गोलियां वरियां ने सुखबीर नूं पुछे भी जे ते तो बिना पुछे चलाती गोली, तो जिहड़ी पुलिस ते तो बागी होकर कम करन लगी तेरी गौरमेंट मौके, तो फिर तू उन्हां दोषियां ते कार्रवाई की कीती, तुहाडे लई तां पुलिस भी अणपछाती है, तुसी तां मेरे वर्गे प्रचारकां नूं फसाउण लगे सीगे, 5 गनाई दे 2 नौजवान चुके कुट कुट के उन्हूं कहिंदे इह कहो भी बेअदबी असीं कीती है सिख प्रचारकां दे कहिण ते कीती है, वह तां फूलका साहब ने उदों सोहणी भूमिका निभाई तां बचा हो गया। सो कुल मिला के इह मैं बादलकियां नूं पुछिआ, कांग्रेसियों को यह पुछदा कैप्टन अमरिंदर सिंह भी जिहड़ा तुसीं अतुल नंदे नूं कौन नहीं जानता, ये वो बंदा जदों कैप्टन के खिलाफ सिटी सेंटर घोटाला होया तां कैप्टन वल्लों लड़दा रहा, उदों इहने कल्ले केस नहीं लड़े, बादल ते कैप्टन दी इहने जफ्फी पवाती सीगी जिस दी बदौलत बादल दी सरकार मौके कैप्टना दी पुस्तपनाही कीती, ते अज कैप्टन दी सरकार मौके बेअदबी दे मसले ते बादलां दी पुस्तपनाही कर रहा है। मैं पुछना चाहुंदा भी जिहड़ा सब तो वड्डा इत्थे SSP सीगा मोगे दा चरणजीत शर्मा जी दी कमांड हेठ सारा कुछ वापरिया कोटकपूरा ते बहबल कलां,
वह बंदा मैडिकल नू ग्राउंड बना के बेल लै गया की कोई कोशिश की गई अतुल नंदे की टीम वालों उस मैडिकल बेल नू कदे कैंसल करवाउण दी? चरणजीत शर्मा अज तक बीमारी चलिया आ रहा है, सुमेल सैनी समेत किन्ने पुलिस के उच्च ऑफिसर जिहड़े वार दी वार ही जमानतां लै गए, उन्हां जमानतां नू रद्द कराउण लई की जतन किया? एक लीगल टीम की नलैकी नहीं हैगी। तीजा परमराज उमरा नंगल वर्गे बाहर फिरदे है। चौथा मैं जिहड़ा कहना चाहुंदा मनतार वराड जिहड़ा MLA सी कोटकपुरे का, जिस दिन उहदी सुनवाई होनी है उस दिन भी अतुल नंदा उत्थे आप शामिल नहीं सीगा, वह एक्स पार्टी केस बन गया। एक्स पार्टी केस तुसीं समझदे हो वी इत्थे इक तिर शामिल ही नहीं हुंदी, इह शामिल ही नहीं होए। वह मनतार बराड भी इन्हां ने बरी करवाता। तो ये सारा कुछ ये लीगल टीम जिहड़ी आ ओह मतलब आखिर मैं पुछना चाहुंदा कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं भी किहड़े सीक्रेट पॉइंट ने तुहाडे अतुल नंदे दे कोल जिहड़ा तुसीं उहदे खिलाफ बोलदे नहीं? मैनूं ऐं लग रिहा जिस तरीके नाल कैप्टन अमरिंदर सिंह बादलां नूं बचा रहा भी इहनें चोण जिवें अगली चोण निशान तकड़ी ते लड़नी होवे, इहदा बिल्कुल उहनां दे थल्ले ऐ विशे होए ने ये सारे। इस करके ये दोनों धिरां दोषी ने ते गुरु कृपा करूगा। असी संगत की कचहरी विच देखो बाणी का फैसला है, मानसा क्यों दीवाणों कोई नस भज निकलै, हर दीवाणों कोई किथे जाया। दुनियावी अदालतों तो भज गए पर रब की दरगाह विच इन्हां दे जरूर जुत्तियां पैणियां। कैप्टन अमरिंदर सिंह कुंवर विजय प्रताप नूं तां कहिंदे समर्थ एक अधिकारी है, बहुत ईमानदार है। दूजे पासे कुंवर विजय प्रताप अतुल नंदा ते इल्जाम लाउंदे कि उन्होंने सही रोल नहीं निभाया, जदों केस लड़ना हुंदा छुट्टी ते चले जांदे ही। तो लगता कि कुंवर विजय प्रताप दे बहाने सारी सियासत खेडी जा रही है? मैं तो जी देखो मैनू ये जिहड़ा ये सियासत खेडदे ने की करदे ने तां इन्हां नूं पता है, पर मैं इन्हां नूं ये कहना भी इस मसले ते सियासत खेडोगे तुहाडा कख नहीं रहना। तुसीं गुरु ग्रंथ साहिब की अजमत नूं महसूस करो, ये कोई दुनियावी मसला नहीं है। गुरु ग्रंथ साहिब प्राणी मात्र दे रहवर ने, उन्हां दी बाणी पढ़ पढ़ के लोगों नूं शांति आउंदी है। तो उस गुरु दे मसले ते तुसीं ये सोचो कैप्टन अमरिंदर सिंह ये सोचता होवे भी जिवें बादलों ने 84 का मसला याद करवाया, वोटां कैश कीतियां पर उन्होंने प्रैक्टिकल काम नहीं किया। जे कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं ये भुलेखा होवे भी चल ठीक है वोटां वेले असीं मसला याद करवा दिया करांगे वोटां लई जावांगे तो काम नहीं होना, इदां हुण नहीं चलना। सिख बहुत सूझवान हो गए, समझदार हो गए सारे, तो लोग इन्हां नूं माफ़ नहीं करनगे। तुहाडा हुण अज की प्रोग्राम अग्गे दा रख्या गया? प्रोग्राम ये रख्या सारिआं ने सरबसम्मति नाल, भाई रणजीत सिंह होरां ने यह फैसला दिता, साबका जथेदार होरां ने अनाउंस किया कह लो बई 30 अप्रैल नूं एक तां कोटकपुरे चौंक दे विच जिहड़ा जिहड़े उत्थे पहुँच सकते हो ठीक है, पर उत्थे कोई जरूरी नहीं पहुँचना। दुनिया के जिथे जिथे बैठे हो ये हाई कोर्ट का जिहड़ा फैसला जिहड़ा एक पासड़ फैसला हिरदिया नूं बुलंदर वाला फैसला है उस फैसले दीयां कापियां साड़न का जिहड़ा प्रोग्राम है इहदे विच मैनूं लगता है सिखां दे नाल नाल बाकी वर्ग भी बढ़ चढ़ के शमूलियत करनगे। जे गल की जाए बरगाड़ी मोर्चे की, बहुत लंबा समा बरगाड़ी मोर्चा चलिया, कांग्रेस पार्टी ने सरकार ने उत्थे मंत्री भेजे तुहानू वह मोर्चा बंद करवा दिता गया, उठा दिता गया, इंसा जिहड़ा भरोसा दिता गया कार्रवाई करांगे, पर अज जिहड़े जथेदार सी ध्यान सिंह मंड उन्हां दा कोई बयान क्यों नहीं सामने आ रहा, वह क्यों नहीं अगे आ रहे क्योंकि उन्होंने वालों चुकया गया सी? वह तो उन्होंने भी पूछा जा सकता है ज़्यादा वधिया भी बिजी ने सेहत प्रॉब्लम है जां की है वह दसण, आपां उहदे बारे मैनूं लगता नहीं भी कोई लोड़ है गल करन दी, ओवरऑल संगत सारा कुछ जाणदी है। जे तुहाडी गल कीती जावे आने वाले दिनों दे विच जे किसान अंदोलन खत्म हुंदा उस तो बाद कोई नवां प्रोग्राम दिता जा सकदा वड्डा? देखो साडे जिहड़े सब तो वड्डी गल जिहड़ा किसान अंदोलन है वह जितना बहुत जरूरी है, वह भी साडी होण दी लड़ाई है, साडे लई बड़ा इंपोर्टेंट है, इसे लई असीं इस तरह का यह एक्शन उलीकिया भी उस अंदोलन नूं कोई ढा भी ना लगे तो भविख दे विच जिहड़ा ती उस तो बाद सारी मिल की रणनीति जिहड़ी तय हो सकती है, क्योंकि निजी मान लो मैं मेरा कोई सुझाव होवे दूजे आगू का कोई होर होवे तो वह फिर कंट्रोवर्सी बन जाती है, इसलिए एक पहला रणनीति तय करके फिर अनाउंस। आखिरी सवाल है, विक्रम मजीठिया ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की उदू पहला अकालिया ने होर भी लीडर ने की, उन्होंने का कहना सी कि असी जो कहा सी अज वो सच हो रहा है, कांग्रेस पार्टी का कख नहीं रहेगा क्योंकि असी अरदास की जिन्होंने बेअदबी कराई है जां जिन्होंने सियासत की उन्होंने का कख ना रहे, वो कहते साडियां अरदासां नूं बूर पैना शुरू हो गया। मैं कहना जी गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह के जिहड़ा भी दिलों अरदास करू उहदी अरदास नूं बूर पऊगा, मैं भी कहना भी बेअदबी करन वालियां दा गोली चलवाउण वालियां दा ते जिहड़ा कोई इहदे ते कल्ली सियासत करनी चाहुंदा कोई दर्द नहीं उहनां दा कख ना रहे, ये तो हर बंदा चाहता है, पर यह शब्दावली नहीं अंदर भावना भी होनी चाहिए है, तुसी जो कुछ बोल रहे हो जवान तो तुहाडा किरदार भी वो अनुकूल होना चाहिए है। सो वह तो सारा कुछ सामने है, मजीठिया की कहता है की कहता है ये सारे एवें बंदे है इन्होंने बहुत नुकसान किया, मैं आप जी के माध्यम राही कहना लाणत पत्र एक बार पढ़ लो जिहड़ा असी कोटकपुरे चौंक च पढ़िया सी उस असी इन्हां दीआं 80% करतूतां दर्ज करतीआं उत्थों पता लग जूगा किन्ने कु पाणे च। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये सन भाई हरजिंदर सिंह माझी जिन्हों का कहना है कि असी आने वाले समय के होर भी प्रोग्राम देवे जो किसान अंदोलन खत्म होंगे, पर हूँ 30 अप्रैल में जो प्रोग्राम दिता गया कापियां साड़ियां जाएगियां जांच रिपोर्ट दियां उस तो बाद
अगे की कुछ होएगा वह भी तुम्हें दसते रहेंगे, पर बादलों के कैप्टन से उन्होंने वालों तिखे निशाने साधे गए हैं। बाकी अपडेट्स देखने के लिए तुम जुड़े रहो पंजाबी न्यूज़ कॉर्नर के नाल।